क्लास 11th, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, चैप्टर स्पेशल पर्पस बुक, सेकेंड अदर बुक, टॉपिक हो गया परचेज बुक, सेल्स बुक, लेक्चर नंबर 30। पिछला चैप्टर में मैं आप लोगों को स्पेशल पर्पस बुक 1 पढ़ाया था, जिसमें कैश बुक था। अब ये अदर बुक है, अदर देन कैश बुक, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस चैप्टर में अदर कैश बुक है, जो कैश से रिलेटेड नहीं होगा उसी का एंट्री करना है। ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन का ही इसमें एंट्री की जाएगी, केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होगा वही इसमें लिखा जाएगा। इस चैप्टर में हम लोगों बनाने के लिए आएगा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, इतना बुक इसमें हम लोग को बनाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले परचेज बुक या सेल्स बुक या परचेज रिटर्न कोई भी बुक है जिसमें केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन का ही हम लोग एंट्री करेंगे, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। कैश ट्रांजैक्शन जो होगा उसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। जैसे फॉर्मेट ऑफ, जैसे परचेज बुक है, इसका फॉर्मेट देखिए कैसे बनेगा। फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, इस फॉर्मेट में, परचेज बुक के फॉर्मेट में ये भी लंबा फॉर्मेट होता है, टोटल 11 कॉलम बनेगा। इस 11 कॉलम में टोटल डिटेल्स लिखाएगा, जिसका कि फॉर्मेट मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। पहला कॉलम हो जाएगा डेट का, पहला कॉलम डेट का। दूसरा कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर का। तीसरा कॉलम हो जाएगा इनवॉइस नंबर का। चौथा हो जाएगा एक छोटा सा LF का। पांचवा हो जाएगा डिटेल्स का। उसके बाद डिटेल्स के बाद कॉस्ट का, उसके बाद इनपुट CGST, आउटपुट CGST, IGST, फ्राइट और टोटल। थोड़ा छोटा पड़ गया, देखिए इसमें पहले हम लोग लिखेंगे डेट, पहला कॉलम हो गया, पर्टिकुलर दूसरा कॉलम हो गया, थर्ड में है इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर होगा, जो इनवॉइस नंबर रहेगा वही लिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं लिखाएगा इनवॉइस नंबर। ये थर्ड कॉलम हो गया, एक छोटा सा बनेगा LF का, ये फोर्थ कॉलम हो गया। इसमें डिटेल्स, ठीक है, ये फिफ्थ कॉलम हो गया। डिटेल्स के बाद वैल्यू ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, जो कॉस्ट होगा वो लिखाएगा, ये कॉस्ट हुआ, ठीक है। ये आपका सिक्स्थ कॉलम हो गया। कॉस्ट के बाद इनपुट CGST, इनपुट CGST, ये सेवन कॉलम हो गया। उसके बाद इनपुट SGST, उसके बाद इनपुट IGST, उसके बाद फ्राइट कैरेज, ये 8 कॉलम, ये 9 कॉलम, ये 10 कॉलम,
और ये लास्ट में बनेगा टोटल का, ये 11th कॉलम। इस तरह से 11th कॉलम का ये फॉर्मेट बनेगा, जिसमें डेट लिखाएगा, फिर सेकंड कॉलम जो पर्टिकुलर रहेगा वो लिखाएगा, इनवाइस नंबर होगा तो लिखाएगा, नहीं तो नहीं लिखाएगा, LF होगा तो लिखाएगा, नहीं तो नहीं लिखाएगा, इसमें डिटेल्स लिखाएगा, इसमें कॉस्ट लिखाएगा, कॉस्ट के बाद इनपुट CGST जो जितना परसेंटेज रहेगा वो निकाल के लिखा जाएगा, फिर इनपुट SGST अगर रहेगा जितना परसेंटेज रहेगा वो भी निकाल के लिखा जाएगा, फिर इनपुट IGST जितना परसेंटेज होगा वो निकाल के लिखा जाएगा, उसके बाद फ्राइट एंड कैरेज जो होगा ETC जो कोई भी उसको हम लोग इसमें लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में इस कॉस्ट से लेके इनपुट CGST इनपुट SGST इनपुट IGST और फ्राइट एंड कैरेज सबको यहाँ से 6 कॉलम से लेके 10 कॉलम तक का टोटल अमाउंट को जोड़ के ऐड करके इसमें टोटल में हम लोग लिखेंगे। इस तरह से ये हो गया परचेज बुक का फॉर्मेट। इसी तरह से सेल्स बुक का फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। सेम इसी तरह से 11 कॉलम इसमें भी बनेगा, ये पहला हो गया डेट का, दूसरा हो गया पर्टिकुलर का, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, कॉस्ट, इनपुट CGST, IGST, फ्राइट एंड कैरेज और टोटल। इस तरह से 11 कॉलम इसमें भी हो गया। इस 11 कॉलम में फिर सारे में सब कुछ हम लोग लिखेंगे, जो कि पहला कॉलम जो होगा जिस तरह से ऊपर था उसी तरह से इसमें भी पहला कॉलम हो जाएगा डेट का, दूसरा कॉलम हो गया पर्टिकुलर का, ये दूसरा कॉलम हो गया, उसके बाद इनवॉइस नंबर थर्ड कॉलम, इनवॉइस नंबर ये थर्ड कॉलम हो गया, इनवॉइस नंबर के बाद LF ये फोर्थ कॉलम हो गया, LF के बाद डिटेल्स ये हो गया फिफ्थ कॉलम, डिटेल्स के बाद सेल्स वैल्यू उठा परचेज वैल्यू, कॉस्ट जो लिखे है ना वही हुआ वैल्यू, तो कॉस्ट हो गया यानी कि परचेज वैल्यू, यहाँ हो जाएगा सेल्स वैल्यू, कॉलम नंबर 6 हो गया, उसके बाद इसमें इनपुट है तो इसमें आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि परचेज के साथ इनपुट CGST SGST IGST होता है और सेल्स के साथ आउटपुट सब कुछ होता है, CGST SGST IGST सब कुछ आउटपुट होता है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग आउटपुट CGST, ये 7th कॉलम हो गया, उसके बाद आउटपुट SGST, ये 8th नंबर कॉलम हो गया, उसके बाद आउटपुट IGST, ये 9th नंबर कॉलम हो गया, फ्राइट एंड कैरेज ये 10th नंबर कॉलम हो गया, और इसमें टोटल अमाउंट ये 11th नंबर कॉलम हो गया। इस तरह से ये फॉर्मेट हो गया सेल्स बुक का, जिसमें पहला कॉलम हो गया डेट का, दूसरा हो गया पर्टिकुलर, तीसरा इनवॉइस नंबर अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं तो फिर नहीं लिखेंगे, LF का नंबर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो फिर नहीं लिखेंगे, डिटेल्स लिखाएगा ही, सेल्स वैल्यू लिखाएगा ही, आउटपुट CGST जो होगा जितना परसेंटेज निकाल के लिखेंगे, आउटपुट SGST जो जितना परसेंट रहेगा उसको निकाल के लिखेंगे, फिर आउटपुट IGST जितना परसेंटेज रहेगा उतना कैलकुलेट करके लिखेंगे, फ्राइट एंड कैरेज जो अमाउंट रहेगा उसको लिखेंगे, फिर टोटल में लिखेंगे। यहाँ सेल्स वैल्यू से लेके फ्राइट एंड कैरेज तक का जितना भी अमाउंट होगा सबको ऐड करके हम लोग टोटल वाला में लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का सेल्स बुक का
फॉर्मेट। इस सेल्स बुक के फॉर्मेट के बाद फिर आप है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट भी हम बताते हैं आप लोगों को। फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न्स बुक, इस परचेज रिटर्न बुक में भी जिस तरह से ये हम लोग बनाए हैं उसी तरह से इसमें भी कॉलम बनाएंगे हम लोग, तो परचेज रिटर्न बुक में एक कॉलम थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें पहला कॉलम हो जाएगा डेट का, दूसरा हो जाएगा पर्टिकुलर का, तीसरा डेबिट नोट का, इनवॉइस नंबर के बदले डेबिट नोट हो जाएगा, एलएफ का, डिटेल्स, कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और टोटल। केवल फ्लाइट एंड कैरेज का कॉलम इसमें से नहीं रहता है, बाकी सब टोटल इसमें होगा। तो पहला कॉलम हो गया डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का हो गया, तीसरा हो गया डेबिट नोट का, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम हो जाएगा एलएफ का, फिफ्थ कॉलम हो जाएगा डिटेल्स का, फिफ्थ का फिफ्थ कॉलम हो गया, फिर उसके बाद कॉस्ट, ये सिक्स्थ कॉलम हो गया, कॉस्ट के बाद इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी ये सेवेंथ कॉलम, आइट कॉलम हो जाएगा इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एट नंबर कॉलम हो गया, नाइन नंबर कॉलम इनपुट आईजीएसटी नाइन नंबर, और ये हो गया टोटल। तो टोटल में कॉस्ट से लेके इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी सबको ऐड कर देंगे तो ये चार कॉलम का अमाउंट जो ऐड करके होगा वही इस टोटल में लिखाएगा, ये टेन नंबर कॉलम होगा। इस तरह से ये फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक हो गया। अब बच गया है आप लोगों को तीन फॉर्मेट, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। ये मैं अगला क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू।